जेडीयू नेता शरद यादव मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में खुद निशाने पर आ गए हैं। यादव के मुताबिक सड़कों पर बढ़ती कावड़ियों की संख्या देश में बढ़ती बेरोजगारी का उदाहरण है। शरद यादव ने कहा कि अगर रोजगार होता तो कावड़ियों की इतनी बड़ी तादाद सड़कों पर न होती। दरअसल शरद यादव ने कानपुर में मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि नौकरियां देने का वादा कर रही बीजेपी केंद्र में आई, लेकिन वो ये वादा पूरा नहीं कर सकी है। इसकी मिसाल है हाल ही में सड़कों पर निकले लाखों कांवड़िए। अपने बयान में शरद यादव ने कांवड़ियों को बेरोजगारी की निशानी बता दिया। शरद यादव के इस बयान से शिव भक्तों के साथ ही धर्मगुरु भी नाराज हैं। सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्र नंद हिंदू महासभा ने इस बयान पर विरोध दर्ज कराया है। गौरतलब है कि सालों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक उत्तर भारतीय शिव भक्त सावन के महीने में जलाभिषेक के लिए निकलते हैं। इनमें हर तबके के भक्त शामिल हैं। ऐसे में भक्तों को बेरोजगार बताकर शरद यादव बुरी तरह घिरते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रेस कोड के खिलाफ कॉलेज छात्राओं ने परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लड़कियों की मिनी स्कर्ट पहनने पर पाबंदी के बाद छात्राओं ने यह विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रबंधन की ओर से यह पाबंदी लगाई गई थी। इसके बाद से छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रही छात्राओं का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए ड्रेस कोड लागू किया है। नाराज छात्राओं ने कहा कि यदि ये नियम को वापस नहीं लिया गया तो वे महिला आयोग को इसकी शिकायत करेंगी। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि इस पाबंदी को छात्राओं की सुरक्षा से जोड़कर लागू किया गया है। सुनंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। एक गुत्थी सुलझती है तो दूसरी उलझ जाती है। मौत की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। जांच कर रही पुलिस की टीम ने अब FBI से उनकी मौत की असल वजह पूछी है। जांच दल ने FBI अधिकारियों से मुलाकात की है। पिछले साल FBI की रिपोर्ट में जहर के तौर पर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के इस्तेमाल की आशंका को खारिज कर दिया गया था। आपको बता दें कि साल 2014 में 51 वर्षीय सुनंदा पुष्कर की लाश दिल्ली के एक होटल के कमरे में संदिग्ध हालत में मिली थी। इस पूरे मामले में पुलिस उनके घरेलू सहायक समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा चुकी है। अफस्पा के खिलाफ अपना 16 साल से जारी अनशन समाप्त करने की घोषणा करने वाली मणिपुर की सामाजिक कार्यकर्ता रोम शर्मिला को धमकी मिली है। शर्मिला को यह धमकी एक स्थानीय चरमपंथी गुट ने दी है। शर्मिला ने अपना अनशन समाप्त करने की घोषणा के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। अलगाववादी समूह ASUK ने शर्मिला को चुनाव न लड़ने और किसी बाहरी व्यक्ति से शादी न करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि आयरन लेडी के नाम से मशहूर इरोम ने 9 अगस्त को अपना अनशन खत्म करने का फैसला लिया है और साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। इरोम ने कोर्ट को अपनी इच्छा के बारे में जानकारी दी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ बिहार के हाजीपुर कोर्ट द्वारा वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। 2 अगस्त 2016 को कोर्ट में दिग्विजय सिंह की उपस्थिति होना थी, लेकिन वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। कांग्रेस नेता के खिलाफ 4 साल पहले कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था। साल 2012 में योग गुरु रामदेव के खिलाफ दिग्विजय सिंह पर विवादित बयान देने का आरोप है। मध्य प्रदेश के इंदौर की एक सभा में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि बालकृष्ण बाबा रामदेव के सहयोगी हैं और बाबा रामदेव के सभी राज जानते हैं। ऐसे में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI से बचने के लिए बाबा रामदेव अपने सहयोगी बालकृष्ण की हत्या करवा सकते हैं। कश्मीर घाटी में अलगाववादियों की ओर से किए गए विरोध मार्च के बाद कश्मीर के कई हिस्सों में कर्फ्यू जारी है, जिसके कारण घाटी में लगातार 29वें दिन जनजीवन प्रभावित रहा। हिंसा की इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस के मुताबिक कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में श्रीनगर के नौहट्टा, खनियार, रैनावारी, सफाका दल, महाराजगंज और बटमालू के 6 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। हिंसा को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की 8 जुलाई को मुठभेड़ में हुई मौत के बाद से ही घाटी में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। असम के कोकराझार में शुक्रवार को हथियारबंद हमलावरों ने जमकर गोलीबारी की। इस घटना में अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हैं। हमले के बाद आतंकवादी फरार हो गए। गोलीबारी की यह घटना साप्ताहिक बाजार में हुई।
पुलिस के मुताबिक शुक्रवार दोपहर आतंकवादियों का एक ग्रोह कार से आया और बालाजान तिनियाली बाजार में गोलीबारी करने लगा। इधर इलाके में गश्त लगा रहे सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आतंकी मारा गया। पुलिस को अब तक 13 शव मिले हैं। घटना के बाद पुलिस और सेना दोनों ही चौकस हो गए हैं। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। आतंकियों के आसपास की इमारतों में छिपे होने की आशंका है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरी जानकारी जुटा रही है। केंद्र को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। प्रदेश सरकार ने मृतकों के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 1 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। राज्य के DGP मुकेश सहाय के मुताबिक आतंकवादियों की संख्या करीब 3 से 4 थी। हमले की पहले कोई खुफिया सूचना नहीं थी। मारे गए आतंकी के पास से AK-56 और चाइनीज ग्रेनेड बरामद हुए हैं। मारा गया आतंकी उग्रवादी संगठन NDFP का है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद वैष्णो देवी के पास अर्धकुमारी में जमीन खिसकने से 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल श्रद्धालुओं को कटरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा अर्धकुमारी की गुफा के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर श्रद्धालुओं के सिर में गहरी चोटें आई हैं। जिस जगह ये लैंडस्लाइड हुई है वहां से वैष्णो देवी मंदिर करीब 6 किलोमीटर आगे है। पुलिस के मुताबिक मंदिर के गेट नंबर 3 के पास एक बड़ा पत्थर लुढ़क कर गिरने से हादसा हुआ। वहीं श्राइन बोर्ड ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ रियो ओलंपिक का उद्घाटन ब्राजील के माराकाना स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। उद्घाटन समारोह को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। पूरे ओलंपिक सेरेमनी में ब्राजील की संस्कृति और परंपरा का अनोखा रंग देखने को मिला। इस बार के ओलंपिक में 10,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। ओलंपिक सेरेमनी में भारतीय दल 95वें नंबर पर रहा, जिसकी अगुवाई अभिनव बिंद्रा ने की। ओलंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत भारतीय समयानुसार सुबह 4 बजे हुई। रियो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के कहर से बचाने का संदेश दिया गया, जिसमें ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले 200 से अधिक देशों के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ियों और अधिकारियों को एक एक पौधा लगाने की जिम्मेदारी दी गई। ₹2015 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के सीक्वल बाहुबली द कंक्लूजन का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस मोस्ट अवेटेड फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव किया गया है। पहले ये फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 28 अप्रैल 2017 को रिलीज होगी। धर्मा प्रोडक्शन के मालिक और बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर करण जौहर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि बाहुबली की हिंदी वर्जन का राइट्स भी धर्मा प्रोडक्शन के पास ही था और पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस फिल्म के दूसरे पार्ट्स के राइट भी इसी प्रोडक्शन हाउस के पास होंगे। अर्का मीडिया वर्क्स के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म में राणा रघुपति, प्रभाष, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म को SS राजामौली ने डायरेक्ट किया है।